हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. ओके, सो इन माय प्रीवियस वीडियो इन ऑफ हिंदी आई टोल्ड यू अबाउट थ्री लेटर वर्ड्स इन हिंदी. सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट चार अक्षर वाले शब्द. यस, फोर लेटर वर्ड्स इन हिंदी. सो इन द प्रीवियस वीडियो सी वी स्टार्टेड विद टू लेटर वर्ड्स. सो टू लेटर वर्ड्स इजी फॉर अ किड. थ्री लेटर वर्ड्स आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट ब्रेक इट इन टू टू. Suppose if in case I am saying Kamal, so let them first read last two words. Kamal, Kamal. So now comes the four letter words. Four letter words also very easy, but here we have to break it from between. See, from here. We will just break the word. So we will just ask them, the, because two letter words bachche bahut easily padh lete hain. The, ad plus rak. So adrak, like this. So next is avsar, avsar. Kasrat, kasrat. मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में कि आप किस तरह से बच्चे को अच्छे से परफेक्शन के साथ कैसे बच्चे को बता सकते हैं दैट हाउ टू रीड ऑल टू लेटर, थ्री लेटर एंड फोर लेटर वर्ड्स विदाउट मात्रा वाले. ओके, नाउ अगेन भग दड़, उप वन, गर्दन, गर्दन. सो जस्ट आस्क द चाइल्ड दैट विद द फोर लेटर वर्ड्स ऑफ हिंदी ही और शी हैज टू ब्रेक फ्रॉम बिटवीन. ओके, सो वेयर एवर देयर आर फोर वर्ड्स जस्ट टेल देम कि हम दो वर्ड्स पहले पढ़ेंगे, लास्ट के दो वर्ड बाद में. लाइक हल चल, हल चल. बचपन, बचपन. महरम, महरम. उबटन, उबटन. अचकन, अचकन. नट खट, नट खट. खटमल, खटमल. थर्मस, थर्मस. शलगम, शलगम. खटमल, खटमल. करवट, करवट. बचपन, बचपन. सरपट, सरपट. जमगट, जमगट. सो बेसिकली टू लेटर वर्ड्स दे कैन रीड, थ्री लेटर वर्ड्स को हम वन प्लस टू में डिवाइड कर देंगे, राइट? और फोर लेटर वर्ड्स को हम टू प्लस टू में, दो अक्षर एक साथ एंड बाकी के दो एक साथ, एंड देन वी विल जस्ट कंबाइन देम. सो दिस इज चार अक्षर वाले शब्द. सो नाउ लेट अस रीड. सो वंस यू नो दैट योर चाइल्ड अंडरस्टैंड अबाउट टू लेटर, थ्री लेटर एंड फोर लेटर वर्ड्स, सो नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज जस्ट मेक समथिंग लाइक दिस. ओके, प्ले विद द वर्ड्स एंड लेट देम प्ले विद द वर्ड्स. सो लेट देम रीड. कमल, कमल. फल, फल. च, ख, चक. जब बच्चे स्टार्ट जस्ट स्टार्ट करते हैं रीडिंग, वो इसी तरह से अक्षर जोड़ेंगे, कमल, कमल. और मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि आप डायरेक्टली उनको बोलो कि हाँ कमल, फल, चक. नहीं, लेट देम डिस्कवर इट, लेट देम अंडरस्टैंड द टॉपिक. बट वंस यू नो दैट, मतलब जैसे यूकेजी के एंड तक, व्हेन द सेशन इज गेटिंग ओवर, लाइक वी कैन से दैट नेक्स्ट ईयर जैन या फेब में, जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, नाउ क्लास इज गेटिंग ओवर एंड माई चाइल्ड नोज, तब आप बच्चे को धीरे धीरे आदत डालो कि बेटा अब आपको ये जोर जोर से नहीं पढ़ना है कमल, कमल. नो, जस्ट आस्क देम, जस्ट रीड इन योर माइंड, अपने मन में पढ़ो एंड जस्ट स्पीक आउट, बिकॉज दैट्स हाउ रीडिंग इज डेवलप्ड. आप पहले से बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा एकदम से बोल देगा, वो पहले ऐसे ही बोलेगा रमन, रमन, न, ल, नल. तो इस तरह से लेट हिम और हर स्पीक लाइक दिस. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द यूकेजी क्लास, ट्राई टू मेक हिम और हर परफेक्ट बाय जस्ट सीइंग द वर्ड एंड जस्ट टेल देम दैट स्लोली, जस्ट स्लोली, दे हैव टू जस्ट मर्मर, अपने में बोल के, मन में बोल के, दे हैव टू जस्ट रीड आउट लाउड, रमन नल पर जल भर. इससे क्या होता है बेसिकली, ये जो एक्टिविटी है इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे, बिकॉज मैंने आपको कहा ना, बच्चे एक ग्रिड में आ जाते हैं. टू लेटर वर्ड्स इजी हो जाता है बिकॉज टू लेटर वर्ड्स ही पढ़ने हैं, थ्री लेटर वर्ड्स में थ्री ही पढ़ने हैं, फोर में फोर ही पढ़ने हैं. बट व्हेन यू गिव देम अ मिक्स, तो वहां से पता चलता है कि बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कितना उसको समझ आया है. तो ये बेसिकली एक एक्टिविटी है. तो यू कैन राइट एनीथिंग लाइक बहन पथ पर सरपट मत चल, अक्षर समझ कर पढ़, नटखट नमन कलम उधर रख, अगर मगर मत कर. अब देखिए, जब एक बार आपको लगता है कि बच्चे ने रीडिंग कर लिया है, तो जब भी आप देखोगे प्रोनंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कई कई बच्चों को. और कौन से उसमें रहता है, त,
थ। तो जहां भी आपको लगता है कि अभी हिंदी के वर्णमाला में प्रोनंसिएशन क्लियर नहीं हुई है, लेट देम रीड अलाउड। त थ द ध ज झ ग घ च छ ब भ व ब श क्ष क्ष श। सो जस्ट प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली बच्चा बहुत जल्दी रीडिंग कर पाएगा। आई हैव अ 4-year-old चाइल्ड और अभी तक मैंने उसको 3-letter वर्ड्स कराए हैं हिंदी में एंड ही कैन रीड देम एंड ही जस्ट प्लेज विद द वर्ड। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपको वोकैबुलरी या आपको कोई भी लैंग्वेज डेवलप करना है, वेदर इट्स अ इंग्लिश और इट्स अ हिंदी, लेट द चाइल्ड प्ले विद वर्ड्स। डोंट डिस्करेज एंड डोंट स्टॉप देम, लेट देम एक्सप्लोर देयर वर्ड words world, yes, let them explore their word world, शब्दों की दुनिया में उन्हें जाने दीजिए, उन्हें देखने दीजिए, उन्हें अपने शब्द बनाने दीजिए, let them do and definitely they will enjoy reading and they will do reading बहुत जल्दी और बहुत आसानी से। happy parenting।